माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, हमारी H2 वापस आ गई है दोस्तों। अब ये और पावरफुल हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर में लग गया है डायनोजेट PC5 एंड अभी की अभी हमने बाइक पिक करी है। आपको पता है मैं NS1 में छोड़ के आया था, अभी पार्ट इंस्टॉल हो गए, सीट के नीचे अभी खोल के दिखाता हूँ। बट दिस इज द टाइम टू एक्सपीरियंस, जो 45,000 रुपए हमने खर्चे हैं क्या डिफरेंस आया है अभी पता लग जाएगा। वन इन इंडिया वाला डिफरेंस तो आई गया। ओ मी गो, तो कनक जी कह रहे हैं मेरे को नहीं लगता किसी और ने अभी तक H2 के अंदर में पावर कमांडर 5 डाला है। एग्जैक्टली क्या होता है पावर कमांडर 5, तो आपको आई बटन में एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, देख लेना। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को कंट्रोल किया जा सकता है, पावर को कंट्रोल किया जा सकता है और कितने रेशियो पे, कितने गियर पे, कैसे इंटेक जो है उसको मैनेज किया जा सकता है यूजिंग दी मैप्स, कस्टम मैप्स को महाबीस्ट बनाया जा सो इसमें डल चुके हैं मैप्स अपने स्टाइल से। बट अभी हमें आगे भी कुछ मॉड कराना है, उसके लिए एक पार्ट इंस्टॉल होगा और उसके बाद रीमैपिंग होगी, दिस इज फॉर श्योर। बट काफी दिन से बाइक मेरे पास में नहीं थी, जबकि एक दिन का काम था, हमें टाइम नहीं लग रहा था। वी वर बिजी विद दैट न्यू मशीन, जो हमारा गब्बर है वो हमारे घर में आया, हमारी जिंदगी में आया, तो 2-3 दिन हमने उसको दिए, कस्टमाइजेशन कराई, काफी काम हो चुका है और भी होगा, कुछ होना है, बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत है। सो अभी हम लोग वैसे खड़े GFR की स्टार्टिंग पे, तो थोड़ा सा अगर शोर आएगा तो इग्नोर कर देना। बट गाड़ियां बॉय ऑफ बॉय, मतलब जितनी देर हुई हमें यहाँ पे खड़े हुए, एक से एक गाड़ी हमने देखी है। एंड जो यूनिट लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, मतलब सीट के नीचे नहीं है बट यहाँ पे है बैक साइड में। एंड इफ यू कैन सी गाइस, डायनोजेट फ्यूल इंजेक्शन मॉड्यूल। एंड जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर में लाइट भी जलती है, पावर की जल गई, ये जल गई, पावर एंड स्टेटस ब्लिंक हुआ है, स्टेटस की एक बार में रेड आई है, पावर की ग्रीन आई है। एक्सपीरियंस करते हैं, पहली अपनी सुपर बाइक है जिसमें इंस्टॉल कराया है, 45,000 रुपए खर्चे हैं, मैपिंग करवाई है, देखते हैं पावर में आया है क्या डिफरेंस। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम राइड करते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अभी 5:20 है, 5:30-6 तक अंधेरा हो जाएगा। I'm scared. एक तो बहुत दिन के बाद चला रहा हूँ भाई, ये पावर को मैं मिस कर रहा था, दूसरा ऑब्वियसली बहुत हल्की चल रही है, मतलब थ्रॉटल खोला, ये जो पीछे फेंक रही है, जो ड्रैग दे रही है ना दोस्तों, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड। ट्रस्ट मी गाइस, आई एम ऑन अ सेकंड गियर, थ्रॉटल दिया और आगे का टायर ऊपर, भाई अपनी नहीं है ये, बदल गई है H2, बदल गई। आई एम स्केर्ड मैन, मेरे को 2 मिनट लगेंगे अभी थोड़ा सा, सच्ची भाई साहब, ओ माय गॉड, वाहेगुरु कृपा रखना। बहुत हल्की चल रही है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, मतलब ऐसे होता है ना जैसे फिल्टर साफ हो गया और पेट्रोल का इंटेक शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, तो थोड़ा खुल के चल रही है, पावर ज़्यादा दे रही है। क्या बोलूँ भाई, सच्ची में डरा हुआ, अभी भी डरा हुआ, जो पहला थ्रॉटल दिया था ना उसी से मैं स्केर्ड हो गया हूँ। अभी तो ये ऐसा रोड नहीं है, ऐसा स्ट्रेच नहीं है, ट्रैफिक है और थोड़ा ऑब्वियसली यार, मतलब आप रोड्स के ऊपर ना फुल पोटेंशियल किसी भी बाइक का टेस्ट नहीं करते हो और ना करना चाहिए। सो वेट करेंगे ट्रैक डे का, बट यस आई कैन फील द डिफरेंस मैन। अभी ये फोर्थ गियर पे हूँ एंड मैंने फिर से थ्रॉटल खोला, इतना सा भी पावर लैग नहीं आया, इतना सा भी पावर लैग नहीं, खोलते ही भाग रही है। चौथे गियर पे हूँ मैं और बहुत कम स्पीड है उसके बाद भी। गॉड, शब्द नहीं है मेरे पास में और मुझे डर लग रहा है। ओ मैन फन यार, मतलब थैंक यू गॉड, बाबा जी थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस एक्सट्रीम मशीन। एंड प्राउडली बोलूंगा दोस्तों, बहुत मेहनत करके खुद से लिए और देखो पेट्रोल जल गया, ओए लाइट जल गई। चलो कोई बात नहीं, फ्यूल डलवा लेंगे एंड लेट्स अनलीश द बीस्ट वन मोर टाइम। अब ऑफ रोडिंग बाइक लिया तो थोड़ा सा तो ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ कर दिया है, ABS मोड डाल दिया ऑफ रोड में, मुझे नहीं पता इसमें बंद होता नहीं होता, ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। बाइक बहुत हिल रही है भाई, कच्चे में बहुत हिल रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ओ माई गॉड, या सही है,
तो दोस्तों हम एक जगह पे रुके थे शूट करने के लिए, बहुत अमेजिंग शूट हमने किया S2 का, पीछे में सनसेट हुआ है, पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। लगभग आधा घंटा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है मज़े से। अभी करें चलने की तैयारी, अंधेरा हो रहा है एंड स्टोरी बनाई खाना जी ने, अच्छी दिख रही यार। वाओ, टैग टूक कर दो भाई, सेव भी कर देना। लेट्स गो। देते ही उठने को हो रही है, ये देखो, है ना, देखा तूने? मैंने सिर्फ थ्रॉटल दिया फिर से, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लवली राइड। शहर जाने वालों का भी ट्रैफिक नहीं है, मजा आ गया, मजा। और वैसे थोड़ी सी मेरे को ठंडी लगी क्योंकि ना मतलब पूरी जैकेट हेलमेट के अंदर पसीना था, फोटोशूट में मेहनत लगती है, ऑफ रोडिंग में तो और लगती है, और अभी लग रही है हवा बाइक चलाने के बाद, तो थोड़ा ठंडा ठंडा एहसास है सर। बट गब्बर बहुत अच्छा लग रहा है यार। उड़ तो नहीं जाएगी? उड़ गई, ग्रीन हो गई, चलो। GFR रोड एंड से मजा आ गया। अभी एक बार पेट्रोल पंप पे रुकते हैं खाना जी, पेट्रोल डलवा लेते हैं। एंड दोस्तों एक चीज और मैंने फील करी यहाँ पे कि जो इसका क्विक शिफ्टर है ना, और स्मूथ हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मजा आ गया। ऑटो ब्लीपर अभी ऑन नहीं हुआ है फॉर सम रीजन, आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा, मेरी पूरी कोशिश है, जो लगे देंगे, बट इसके अंदर में ऑटो ब्लीपर ऑन हो जाना चाहिए। तुम्हें याद है वो दिन जब हमें हो गई थी एडिक्शन गेमिंग पीसी की, मतलब गेम खेलने की, पबजी खेलने की। अच्छा वैसे बैन हो गई, नहीं तो हमारे जैसे, मतलब हमारे जैसे भी एडिक्टेड हो गए थे गेम के। रोज रात का रहता था इंतजार कि कब रात होगी, कब दोस्त यार बैठेंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर में गप्पे शप्पे मारेंगे, हेडफोन लगा के खेलेंगे पबजी, और दोपहर में इसके बदले बना देते थे हम सब जी। सो आई एम बैक दोस्तों, आई एम हैप्पी। आपको मेरे चेहरे से, मेरे चाल ढाल, मेरे बात करने के लहजे से समझ आ रहा होगा कि आई एम हैप्पी। अलग एक्सपीरियंस था आज S2 चलाने का, सच्ची में तो डर गया था, और सच्ची डर गया था, मतलब बहुत कम होता है मैं डर जाता हूँ। जैसे मैंने एक बार चलाई थी VMAX, उसका भाई जो टॉर्क था, मैं डर गया था। बहुत कम बाइक मेरे को डराती हैं, S2 शुरू से डराती है, बट आज मैंने बहुत दिन के बाद अच्छे से थ्रॉटल खोला है, थोड़ा हार्ड थ्रॉटल खोला है, एंड मैं ऐसा रेगुलर नहीं करता हूँ और ना एडवाइस करता हूँ। प्लीज आप अपने उसमें चलाना, लिमिट में और अपने कंट्रोल में, दायरे में, दायरा इज द राइट वर्ड। सो अभी कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है, कुछ होनी बाकी है, और इतने में खन्ना जी थक गए हैं। क्या कर रहे हैं खन्ना जी, गब्बर चला के थक गए हो तुम? इन सीढ़ियों से गिर गया था, दिल का दर्द है। चलो इनको पता नहीं कहाँ कहाँ पे दर्द उठ रहे हैं। फिलहाल तो कहने की बात ये है कि यार अभी जो हम करना चाहते हैं S2 के साथ में और गब्बर के साथ में, मतलब बहुत कुछ है हमारी विश लिस्ट में। जल्दी हम अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट करते हैं और अपनी बाइक्स को बनाते यूनिक। बट कहीं ना दिल में आज थोड़ा सा प्राउड आ रहा था दोनों बाइक्स को इकट्ठे देख के, यूनिक अच्छी और मेहनत से लिए। सच्ची बोलूं तो इस नवंबर में मुझे 4 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे, बट 3 साल हो जाएंगे एक्टिवली लिए हुए, क्योंकि 2017 में जब हम गए थे लद्दाख बूसा लेके, उसके बाद में हमने सीरियस लिया था, हमें समझ में आई थी पावर ऑफ यूट्यूब, पावर ऑफ सोशल मीडिया, इसने हमारी जिंदगी बदली है। एक टाइम था, मतलब ऑब्वियसली आप पुरानी वीडियोस खोल के देख लो, ना हमें वीडियो बनानी आती थी, ना हमारे इक्विपमेंट अच्छे थे, ना राइडिंग गियर अच्छे थे, बाइकें भी ठीक ठाक थी। क्यों भाई, सही बात है, सब कुछ यहीं से मिला है, आप लोगों ने दिया है, तो सच्ची दिल से थैंक यू। कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी यहाँ पहुंचेंगे, और अब यहाँ पहुंच गए ना, तो उम्मीदें और बढ़ गई हैं। बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है, आपको साथ लेके जाना है। फिलहाल करते हैं दोस्तों वीडियो यहीं पे क्लोज। मेहनत हमारी, मेहनत उसकी, प्यार आप सभी का, आप सभी का। और एक गुड न्यूज है, कौन सी? अगली वीडियो में बनाएंगे। जो भी है, नवंबर का महीना, मतलब सेकंड वीक ऑफ नवंबर हमारी जिंदगी बदलने वाला है। आप भी नोट कर लेना ये वाले ब्लॉग की बात, सेकंड वीक ऑफ नवंबर विल चेंज अवर लाइफ एंटायरली फॉर गुड। इसी नोट पे फाइनल वाला बाय।